लेकिन भारत में तो ये बहुत खूबसूरत रहा। इवन यही नहीं कि बगल में कोई मस्जिद या गिरजा बना के प्रार्थना करें। बनारस की बात करें तो वो बड़ी विचित्र, रहस्यमय और अद्भुत जगह। पुराना वक्त तो ऐसा ही था, आज के वक्त में हो सकता है कुछ बदलाव आ रहे हों। अगर उस घाट पर आप अंतिम संस्कार के लिए किसी को ले जा रहे हैं तो कोई अड़चन नहीं है। कोई मुस्लिम भी अगर ले जाना चाहता कि हम, हमारा भाव है कि हम करेंगे, तो वो लोग कहेंगे ठीक है कर लो। लेकिन अगर दूसरे संप्रदाय में आप उनके ढंग से, ढांचे से हट के कुछ करना चाहें तो उसकी अनुमति नहीं है। यहाँ पर बड़ा इंक्लूसिव व्यवस्था रही थी। और खुद भारतीय दर्शन में, जिसको लोग हिंदू दर्शन भी कहते हैं, उसमें खुद इतनी विचारधाराएं हैं जिसमें दुनिया की हर विचारधारा शामिल हो जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है जो उसमें शामिल नहीं करी जा सकती, सब शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड व्यवस्था रही। लेकिन धीरे धीरे जब धर्म में भी लोग भयभीत होने लगे, लोगों को लगा एक संप्रदाय होना चाहिए, तो फिर वो सब आया, फिर वो वेशभूषा आई, फिर वो कट्टरता आई, फिर खास किस्म के सिंबल आए। वो डिटोरेशन था। भारत में भी एक वक्त डिटोरेशन का आया कि जब शैव और वैष्णव लड़ने लगे आपस में। वो भी वक्त इतिहास ने बहुत देखा, आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन पहले जब मास्टर्स लोग बहुत ही अच्छे से गति कर रहे थे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। एक से एक विपरीत विचारधारा के लोग एक दूसरे के साथ आराम से बैठते थे, बात करते थे, कोई अड़चन नहीं होती थी। इस व्यवस्था का जब बहुत ही खराब स्वरूप पैदा हो गया, उसी वक्त में बुद्धा का आना हुआ। गौतम बुद्ध उसी टाइम पर आए जब कर्म कांडों और कट्टरपंथ की व्यवस्था बहुत सड़ चुकी थी। तो उन्होंने भी एक तरह से रिफॉर्मिस्ट का काम किया, उन्होंने रिफॉर्म किया बहुत सारे कर्मकांडों को, व्यवस्थाओं को रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करके उन्होंने एक नया ढंग, एक नया पैटर्न दिया। लेकिन अब वो क्या जानते थे कि लोग उनसे भी ज़्यादा क्लेवर हैं। उनके बाद उन्होंने उनके पैटर्न को भी एक कल्ट बना कर रख दिया। पहला व्यक्ति कल्टलेस जो था वो गौतम बुद्ध ही थे। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक बुद्धिज्म बन जाएगा, ये लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे। उन्होंने वो काम चलाऊ व्यवस्था के तौर से दिया था कि ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिशन के फेज में ऐसे ऐसे हम उसको ट्रांजिट कर सकते हैं। बाद में वो बन गया। ह्यूमन माइंड बहुत ही क्लेवर है, वो किसी भी चीज़ को, अच्छी से अच्छी चीज़ को कुछ दिनों में ख़राब कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे कोई आता है फिर उसको ठीक करेगा, तो काम चलता रहेगा। मुझे अक्सर ये फील होता है कि बुद्धिज्म भी जो है वो भारतीय व्यवस्था का ही एक्सटेंशन है। मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इज्म उसको लगा के ही एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे लोग इज्म लगाते हैं तो एक अलग धर्म बन गया, अलग लड़ाई झगड़ा। और केवल बौद्ध धर्म बनने से हिंदुओं और बौद्धों में कितना झगड़ा हुआ सब जानते हैं। हिंदुओं ने बौद्धों को देश से खदेड़ कर बाहर कर दिया। आज फिर भी थोड़ी शांति है, दलाई लामा हमारे देश में आ गए, थोड़ा सेकुलर कंट्री का यहाँ वातावरण बना। लेकिन पहले हिंदुओं ने ही उनको मार मार कर देश से बाहर निकाल दिया। हिंदुओं ने बौद्धों की बहुत हत्याएं करी, उन्होंने भी करी होंगी, लड़े होंगे आपस में, सब कल्ट बना, इज्म बना, एक्सटेंशन ही था। बुद्धा कोई बाहर से तो आए नहीं थे, हिंदू घर में ही तो पैदा हुए थे। हिंदू घर में पैदा हुए, फिर उन्होंने उसको रिफॉर्म किया और हिंदुओं ने भी उनको अपने अवतार की तरह एक्सेप्ट किया। तो कोई अड़चन कहीं नहीं है। अभी कृष्णा जी से हम लोगों की कुछ बात हो रही थी, उज्जवल भी बात कर रहे थे। अभी अनंत में, अभी इतने कम समय में ही हमारे यहाँ भी कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें हैं, अगर वो अभी व्यवस्थाएं बदल जाएं तो दो तीन कल्ट तो यहीं बन जाएंगे। जैसे एक कल्ट है हमारे यहाँ जो हमने बहुत पहले निर्वाण के 9 सूत्र बोले थे, वो 9 सूत्र से आगे नहीं जा रहा।
वो कहता है बस ये आखिरी बात आपने कह दी, 9 सूत्र, और फिर एक हमने विचार ऊर्जा सजगता पे सीरीज बोली थी, कुछ लोग उससे आगे नहीं जा रहे हैं। वो कहते हैं ये आपने बोला बस खत्म, इसके आगे कुछ नहीं। कुछ लोग विज्ञान भैरव तंत्र पे बोल रहे हैं तो उसके कुछ विचार ऊर्जा सजगता वाले विज्ञान भैरव तंत्र वाले डिस्कोर्सेज को नहीं पसंद करते, विज्ञान भैरव तंत्र वाले 9 सूत्र वाले डिस्कोर्स नहीं पसंद करते, 9 सूत्र वाले विचार ऊर्जा सजगता वाले पसंद नहीं करते। वो कहते हैं सारी बात तो उसमें आ गई, अब इनकी जरूरत क्या है। और वो कहते हैं जब इसको बोल दिया तब इसको बोलने की जरूरत क्या है। एट वंस 3 कल्ट बन जाएंगे हमारे यहाँ, अगर अभी शंकराचार्य की तरह से हम निर्वाण को प्राप्त हों, उसके बाद यहीं पर अनंत में 3 संप्रदाय चलेंगे, मोटे मोटे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे तो और बहुत सारे होंगे जो मुझे नहीं पता। तो मनुष्य के मन की तो गति यही है, मनुष्य के मन की गति को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लवर्स हैं, जो प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए किसी बात से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि ये कहा गया, ये प्रेजेंस थी, ये रूपांतरण था, उनका सीधा मतलब उस बात से, तो वो लोग उससे जुड़ेंगे। तो मैं तो वही लोग चाहता हूँ जो प्रेम वाले हों, किसी चीज़ में बंधे नहीं और रूपांतरण को जिए। वो विचारधारा नहीं बनानी है उसको, उसको जीना है। तो मुझे लगता है यही वक्त की मांग है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतनी ही बात।